हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकार स्टूडियोस। मेरा नाम है रणवीर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगर आपके बाइक या कार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के आप उनके फिटमेंट सेंटर में जाके उसको लगवा सकते हो। तो इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। आपको सबसे पहले कोई क्रोम या कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे इसकी सर्च बार में लिखेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पंजाब। ये लिख के सर्च मारा मैंने तो मेरे पास जो सबसे पहला लिंक आएगा www.punjabhsrp.in। ये जो HSRP है इसका मतलब होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसको कि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी बोल देते हैं। तो ये वाली जो फर्स्ट वेबसाइट है www.punjabhsrp.in पे क्लिक करना है आपको। ये ऐसे मैंने क्लिक कर दिया तो सबसे पहले कोरोना वायरस का एक ये एडवाइजरी देते हैं, उसको आप क्लोज कर दो। फिर ये लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो आइकन है ये फोन के ऊपर क्लिक करने वाला, इस पर लिखा है अप्लाई HSRP ऑनलाइन, तो इस पर आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपके पास एक फॉर्म आएगा, ये आपने भरना है। सबसे पहले आपको पूछता है एप्लीकेशन टाइप क्या है आपका, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो इसको। ये पांच ऑप्शन देता है। सबसे पहले बोलता है कि अगर आपका पास पहले से कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तो आप पुरानी है तो उसके लिए नई नंबर प्लेट लगवा सकते हो, पहली बार लगवा रहे हो। अगर आपके पास पहले से ही नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसका फ्रंट वाला पार्ट डैमेज हो गया, फ्रंट वाली नंबर प्लेट डैमेज हो गया, तो आप ये डैमेज फ्रंट वाला सिलेक्ट करोगे। अगर आपका पीछे वाला नंबर प्लेट डैमेज हुआ है तो डैमेज रियर सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपके दोनों नंबर प्लेट फ्रंट और रिवर्स बैक वाले, जो कि ये सब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर पहले से है उस केस में है, तो आप डैमेज बोथ सेलेक्ट कर सकते हो या फिर स्टिकर ऑनली का सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास पहले से कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन ओल्ड फुल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओल्ड फुल HSRP सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कर लिया है। उसके बाद ये मेरे से पूछता है व्हीकल नंबर, तो मैंने अपना व्हीकल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी मेरा RC में नंबर प्लेट, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जैसे मेरा नंबर प्लेट नंबर है ये वाला, मैंने सेलेक्ट करके पहले से एंटर कर रखा था, तो मैं दोबारा करके आपको दिखा रहा हूँ बस। तो मैंने व्हीकल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद आपका चेसी नंबर जो भी होगा, ये आपके RC के ऊपर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देना है। मैंने अपना एंटर कर दिया। उसके बाद आपसे इंजन नंबर पूछ रहा है, इंजन नंबर भी RC के ऊपर होता है, आप उसको देख के एंटर कर सकते हो। उसके बाद ओनर का नाम, इसका मालिक कौन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना आपने। फिर ये आपको पूछता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है व्हीकल क्लास। अब व्हीकल किस टाइप का है आपका, ट्रांसपोर्ट टाइप है या नॉन ट्रांसपोर्ट है? तो ज़्यादातर हम लोग जो घर पे अपने इस्तेमाल करते हैं वो नॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपने नॉन ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद व्हीकल टाइप, किस टाइप का व्हीकल है वो सिलेक्ट करते हैं हम। ये देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, स्कूटर, स्कूटर मोपेड, मोटरसाइकिल कमर्शियल ऑनली, या फिर मोटरसाइकिल सिंपल वाला। तो कई लोग पूछते हैं कि ये मोटरसाइकिल कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जो लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं अपना बाइक नॉन कमर्शियल कामों के लिए, तो वो यहाँ पे हमने ज़्यादातर लोगों ने मोटरसाइकिल ही सिलेक्ट करना है, सेकेंड वाली ऑप्शन। और ऐसे ही बाकी की ऑप्शंस है, आप उनको देख के अपने अकॉर्डिंग आपकी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। मैंने मोटरसाइकिल का करवाना है तो मैं मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर RC किस तरह की है। क्या वो स्मार्ट कार्ड टाइप की है, मान लो कि उसके ऊपर चिप लगी हुई है, या वो पुराने वाली है जिसपे चिप नहीं होती थी और वो कागज की होती थी, आपकी कॉपी जैसी होती थी। तो आपने तभी ये भरना है फॉर्म अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड वाली चिप वाली RC है। क्योंकि मैंने उनसे बात भी की और मेरे किसी दोस्त ने भी ट्राई किया था, तो उसकी RC पुराने टाइप की थी, कागज वाली, उसकी RC चिप वाली नहीं थी, कार्ड वाली, तो उसका वो कैंसिल हो गया। तो उसको अभी रिफंड करवाना पड़ेगा, उसके पैसे रिफंड होने में 5-10 दिन लग जाएंगे। तो अच्छा है कि आप पहले स्मार्ट कार्ड बनवा लो, उसके बाद ही ये फॉर्म भरो। क्योंकि अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका
नंबर आपका जो भी डिटेल है आरसी की वो उनके डाटाबेस में नहीं होगी। अगर स्मार्ट कार्ड है तो उनके पास रहती हैं डिटेल्स, तो स्मार्ट कार्ड वाले ही इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद ये पूछता है फिटमेंट लोकेशन, आपको कहाँ पे फिट करवाना है, तो आप उनके सेंटर पे जाके करवा सकते हो, जैसे कि फिटमेंट एट RTA SDM, या फिर आप अपने घर पे करवा सकते हो। मान लो आप अपने घर पे करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको 118 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, जाकर आपके घर पे आके कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे अपना होम का एड्रेस डाल देना है, लैंडमार्क डाल देना है, सिटी डाल देनी है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। बट मैं चाहता हूँ, जब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनके ही फिटमेंट सेंटर पे जाके करवा लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 मिनट का काम है वो, फिर आप वहाँ जाके करवा सकते हो। तो मैं वहीं करवाना चाहता हूँ, तो मैं फिटमेंट एट RTA SDM सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि अगली ऑप्शन है फ्लेक्ट सिलेक्ट फिटमेंट सेंटर। अच्छा, इससे पहले ये ऑप्शन रह गई एक सिलेक्ट RTA SDM। अब कहाँ पे लगवाना है, कौन से शहर में लगवाना है, शहरों की लिस्ट आ गई। मैं मोहाली में लगवाना है तो मुझे सेलेक्ट करना है SAS नगर मोहाली, ये सिलेक्ट आ गई ऑप्शन, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि एक शहर में कई बार मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, जैसे मोहाली में अभी दो हैं, एक तो लांडरां के पास है और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 82 में है। तो मैं 82 सेक्टर सेक्टर 82 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरे घर के पास है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे टिक करना होता है I/V के फ्रंट में, यहाँ पे टिक करके आप कह देते हो कि आपका ये, आप इस बाइक के ओनर हो और RC के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक है, जो भी आपने डिटेल सेंटर एंटर किए हैं वो सही हैं। उसके बाद आपने ये नीचे सबमिट का बटन दबाना है। ये बटन दबाने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद आपसे एक अपडेट डिटेल्स की, कुछ आपके डिटेल्स से कंफर्मेशन मांगी जाएगी, वो आपने कंफर्म करना है, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से दिन आप लगवाना चाहते हो। जैसे मेरे पास ये आ गई है, वेरीफाइड डिटेल्स करने को बोल रहा है ये। सबसे पहले मेरे को बता रहा है कि मेरी जो अमाउंट मुझे पे करनी पड़ेगी वो 173 रुपये 46 पैसे हैं, तो मुझे 173 रुपीज़ पॉइंट 46 पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर ये मुझे बता रहा है मेरा इनवॉइस नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है मेरी बाइक का, उसके बाद मेरा नाम बता रहा है, फिर ये किस टाइप का ऑर्डर है, जैसे कि मैंने पुरानी नंबर प्लेट थी मुझे नहीं लगवानी है, तो मैं वो सब भर रहा हूँ। उसके बाद मेरा नंबर कंफर्म कर रहा है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे आखिर में दो ऑप्शंस आते हैं, विजिट डेट। विजिट डेट आप किस दिन आप विजिट करके वहाँ पे लगवाना चाहते हो तो सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो दिन आ रहा है वो भी 5 अक्टूबर आ रहा है, तो लगभग 15-20 दिन के बाद मेरी बारी आ पाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग इसको करवा रहे हैं, और सभी लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसके लिए जो लास्ट डेट है आपकी वो 1 अक्टूबर है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर के बाद अगर आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़े जाओगे तो आपको 2,000 से 3,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो जुर्माना बचाने के लिए लोग जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, तो आप भी करवा लो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो 5 अक्टूबर, जो सबसे लेटेस्ट डेट आपको मिल पाएगी। उसके बाद आप स्लॉट देखोगे यहाँ पे, तो ये बता रहा है 9:30 से 11:30 वाला स्लॉट में 0 स्लॉट अवेलेबल है, उसके बाद वाले में 10 हैं, फिर 45 हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस जो 2 घंटे का स्लॉट होता है, जैसे 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30 बजे तक, इनमें 50-50 सीटें होती हैं। तो यहाँ पे सुबह की में कोई सीट नहीं है, बट मेरे पास सुबह का ही टाइम होता है, तो मैं यहाँ पे मान लो कि और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 9 अक्टूबर को, तो वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो मुझे 50 की 50 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मतलब 50 सीटें खाली हैं, मैं सबसे पहले मेरा नंबर लग जाएगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली 9:30 बजे वाली। अब मेरे को ये कह रहा है कि पे 173.46 रुपीस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और पैसे पे करने के लिए ये मुझे गेट भी ओपन कर देगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डाल के या फिर डेबिट कार्ड डाल के, या डेबिट कार्ड अगर ATM भी है आपके पास, ATM पिन के डाल के आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल करके कर सकते हो, आपके पास कोई वॉलेट है क्या, ये इस टाइप का कोई वॉलेट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, QR कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर UPI। UPI आजकल काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसी का बता देता हूँ आपको कैसे करना है। भीम UPI के क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करो, फिर ये आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ये साइड में QR कोड आ रहा है, या तो आप इसको स्कैन कर लो अपनी ऐप में, इस पर क्लिक करके ये विजिबल हो जाएगा,
या फिर जो लेफ्ट साइड में अपना वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस जो भी आपका यूपीआई आईडी होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा अब कोई भी ऐप, जैसे आपकी भीम वाली ऐप है या फिर गूगल पे है, जी पे है या फिर आपकी फ़ोन पे है, उसमें आप ओपन करके स्कैन करके आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो आप उसमें स्कैन करके पेमेंट कर लो, आसानी से हो जाएगी। और इसके बाद आपको एक रिसिप्ट देंगे जो रसीद आएगी, उसमें डिटेल्स लिखी होंगी कब आपका हुआ है, कब आप डेट आई है जो आपने जिस पे आपके जाके फिटमेंट करवानी है, टाइमिंग क्या रहेगी उसके बारे में उसमें नॉलेज रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको प्रिंट करके रख लेना अपने पास या सेव करके रख लो, ईमेल में रख लो, जहाँ भी रखना है। फिर आपको जिस दिन आपकी डेटा उस दिन आपको जाना है, आपको अगर पहले बन जाएगी तो आपको पहले भी कॉल आ जाएगी, तो आप जब वो बोलेंगे तब आप लगवा जाके लगवा सकते हो, या फिर आपकी जिस दिन डेट है उस दिन जाके आप अपॉइंटमेंट वाले दिन जाके लगवा सकते हो। तो ये सब था इसके बारे में कि कैसे आप अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ताकि और भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आप उसको देख सको। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से मैं आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।